चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है अनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस टॉपिक का क्लिक करा तो एक टॉपिक आया जिसका नाम है ऑप्शन फॉर द फ्री क्वांटिटी, कैलकुलेट टैक्स ऑन फ्री क्वांटिटी इन केस ऑफ MRP। अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसकी MRP से, तभी वैट कैलकुलेट होगा। मैं इसको ओके करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब मुझे होता क्या है, इस टॉपिक का बेनिफिट क्या यूज़ करने का, बेनिफिट ये होता है जैसे मेरे पास कोई आइटम है नहीं बिक रही, तो मैंने बोला आप ये आइटम लो, उसके बाद ये आइटम आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका एक फ्री हाँ। अब इसका मेन जो मोटिव है ये तो ये कर सकते हैं, या भी कह सकते हो कि आप 10 पीस लो एक फ्री है, तो उस समय भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक बनाया, बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं एक सेल कर रहा हूँ, और सेल मैंने F3 करके मैंने यहाँ पहले परचेज कर लेता हूँ और फिर करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से एक नई चीज़ परचेज करी है, बी से ही कर लेता हूँ F3 से ही, और मैंने यहाँ से ख़रीदी है LCD सोनी, ठीक है 32 इंच, ठीक है डाल के और मैंने इसको बना दिया F3 करके सोनी का ग्रुप, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मैंने बोला ये पीस में आ रही, पीस की जगह मैंने NOS बना दी, नंबर ऑफ सिस्टम। मैंने बोला एक LCD 52,500 की है, 30,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, और अप टू करके मैंने फटाफट सेव कर दी, होगी सेव। मैंने खरीदी 10 पीस 100 पीस खरीदी, और मैंने इसको 30 लाख का बिल बन गया, मैंने इसको सेव कर दिया, हो गया सेव। अब मुझे क्या है, मुझे इसको ज़्यादा सेल करनी, तो मैंने बोला कि अगर कोई मुझसे 10 पीस लेता तो एक पीस फ्री है, क्या है 10 पीस कोई लेता है तो एक पीस फ्री है। तो मेरे पास एक कैश में कस्टमर आया, या मैंने बना लिया पवन ट्रेडिंग के नाम से, और ग्रुप में मैंने डाल दिया सन्री डेटस, और मैंने इसको नो करा, और मैंने यहाँ जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन वो अनेबल है। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 10 पीस, कितना रेट आ गया 10 पीस का 3,25,000। मैंने बोला एक पीस फ्री दिए तो 11 हो गई, तो कितना हो गया 3,57,000, तो 10+1 दिन है ना, तो मैंने यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 10+1 करेंगे, तो रेट कितने का पीस का लगाया आपका 10 पीस का लगाया, ठीक है। स्टॉक से माइनस कितना होगा 11 पीस स्टॉक से माइनस हो, वैसे लिखेंगे तो वैसे प्लस, प्लस लगने आने का मतलब ये होगा कि आप इतनी क्वांटिटी, अगर आप ये नहीं कि आप एक क्वांटिटी दे सकते हो, आप 10,000 दो बोल सकते हो, प्लस में कोई भी यूज़ नहीं, आप जितना मर्जी डाल दो, नहीं हो सकता फिर क्यों होगा। अब इसके बाद कोई कहता है मुझे आइटम का लीजिए बताओ, तो अपने कीबोर्ड पे आप ऑल्ट आई करोगे, यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि आई 100 थी, 2 फ्री दिए, 10 की सेल करी, तो स्टॉक में कितना है 88 है। अब इसकी डिटेल देखेंगे तो कहाँ से आएगा, डिस्प्ले के अंदर, ठीक है, स्टॉक स्टेटस के अंदर जाके देख लीजिए, या फिर आपको इन्वेंट्री के अंदर एक टॉपिक मिलेगा फ्री क्वांटिटी, ये रहा फ्री क्वांटिटी इन डिटेल। अब इस पर आइए आइटम वाइज, मैंने कहा जी बिल्कुल आइटम वाइज 1 आइटम, सेल मैंने कहा यस कौन सी, और यहाँ से देखिए आप, आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपने इस पीस में 10+2 की क्वांटिटी फ्री दी है, ठीक है, कोई इश्यूज में किसी को। ये आपके टॉपिक का नाम था फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, हाँ सर यस, अब आता है पिक आइटम साइजिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन फॉर द आइटम डिस्क्रिप्शन। अब आइटम डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है, अब इस टॉपिक का यूज़ मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि जब हम मैं किसी के यहाँ आज से दो साल पहले किसी का काम करना था, उसके बाद चैन का काम होता, जैसे बाली वाली होती ना आर्टिफिशियल, तो उस तरह का काम था, तो उसके बाद कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती थी 10 × 2 × 4 × 5 × 1, फिर देन प्लस करके उसको क्वांटिटी डालनी होती थी। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करना उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, या तो अगर मैनुअली कहीं करता तो दिक्कत आती थी बिजी के अंदर कैलकुलेशन करने में, कहीं ऊपर नीचे हो जाती थी, तो उसको क्या करना था कि जब भी मैं आइटम का नाम डालूं तो क्या हो एक फील्ड ओपन हो, उसमें वो क्वांटिटी डाले इनटू करे, और उसके बाद ऑटोमेटिक क्वांटिटी यहाँ आ जाए। तो देखिए कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको ऐसे अर्ली समझ नहीं आएगा। मैं इन्वेंट्री के अंदर गया, मैंने क्या टॉपिक यस करा, पिक आइटम साइजिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आइटम डिस्क्रिप्शन, और इस टॉपिक को अनेबल करने के साथ साथ आपको किस वाउचर में कैलकुलेशन करनी, तो उसके अंदर गया, मैंने बोला सेल के अंदर कैलकुलेशन, मैं गया वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, देखो अंदर एक टॉपिक मिलेगा आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक को यस करा और मैंने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा, ये पूछे नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइन कितनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितनी है 10 और मिनिमम आपकी 1 है,
मैक्सिमम 10, मिनिमम आपकी 1। मैंने बोला मुझे 2 चाहिए, ठीक है, एक तो कैलकुलेशन के लिए चाहिए, दूसरा मुझे आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। आइटम, ठीक है, अभी पूछा है कि जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो किस मोड पे करनी है, तो मैंने बोला अभी पूछा कैलकुलेशन होगी कितने से, मैंने बोला एक वाली कैलकुलेशन होगी, एक से लेके एक तक, मतलब अगर आपके 10 है आप चाहते हो 10 में अलग अलग डालो सबकी कैलकुलेशन एक हो जाए, तो आप यहाँ पर 10 कर दोगे, तो कैलकुलेशन कितनी हो, जैसे 10 में आपने 10 तक के बीच की कैलकुलेशन। अभी मैं एक टू एक करता हूँ फिर आपको 2 दिखाता हूँ, हो गया सेव। इसके बाद मैंने कोई आइटम बनाई या फिर मैंने सोनी उसी आइटम को यहाँ से मॉडिफाई कर दिया जो अभी मैंने यहाँ से बनाई थी। अब देखो उसके नीचे टॉपिक अनेबल हो गया, क्या टॉपिक अनेबल हो गया, पिक आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन इन्फो फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक को यस करूँगा और सेव कर दूँगा, हो गया। अब देखिए मैं जाता हूँ सेल करने, कहाँ गया, सेल के अंदर, मैंने बोला कैश में सेल करनी है। जैसे ही मैं आइटम का नाम सेलेक्ट करूँगा एंटर मारूँगा एक टॉपिक आएगा, पहला आया कैलकुलेशन कि क्या कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने बोला 10 × 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 × 1 या फिर 5 × 2 + 1 × 2 आइटम डिस्क्रिप्शन जो आपको डालनी है। जैसे आप इंटर करोगे ये कह रहा है आइटम डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी ब्लैंक, तो मैंने, ठीक है, एक चीज़ और कह रहा है कि जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो उसके साथ ब्रैकेट भी लगाइए, जैसे आपकी पहली कैलकुलेशन है कि 10 × 2, तो आप इसी के साथ आपको ब्रैकेट भी लगा के चलना है, क्या लगा के चलना है, ब्रैकेट, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी तो आप अगेन को फॉलो करो, तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। देखिए आगे, तो ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, इसकी। उसके बाद बोला मैंने इसमें 10 प्लस कर दो, देखिए कह रहा आप अपने इसके लिए आपके ब्रैकेट नहीं लगाए, तो आप इसके लिए भी क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्वांटिटी हट गई मुझसे गलती से, तो मैं क्या करता हूँ पहले ही से ही इस पर ना एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज प्लस 10, ये ब्रैकेट गलत जगह लग गया है, इस ब्रैकेट को हाँ हाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, नहीं बड़ा ब्रैकेट नहीं, नहीं नहीं वो प्लस से पहले क्यों लगाऊंगा भाई, प्लस से पहले तो लगा ही रखा है मैंने 10 × 2 × 1 × 5, नहीं मतलब अलग अलग कैलकुलेशन के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा, जैसे आपको प्लस ही करना तो 50 + 3 + 2 + 1 + 5 + 4, अगर आपको खाली प्लस प्लस करना है तो कोई इशू नहीं, प्लस कर देगा, और अगर आपको इंटू करना है तो उसके लिए ब्रैकेट्स को फॉलो करने पड़ेंगे सारे। हाँ, तो ये आपका टॉपिक था आइटम पिक डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक का बहुत यूज होता है, याद रखना आगे बहुत से कस्टमर कहते हैं जैसे उनका बिल्कुल, अब जैसे किसी किसी के थान आता है उसने बोला 122 मीटर का, बोले 110 मीटर, 105 मीटर, 111 मीटर, 110 मीटर, उसके बाद वो एंटर करके प्लस कर दो यहाँ पर टोटल हो जाए, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है प्रिंट पर सर शो नहीं हो रहा, प्रिंट पर शो करने के लिए उसके लिए आपको क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप रेट अलग हो तो उसके लिए देखो याद तो रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखिए, अगर ये टॉपिक आप समझने लगोगे जिसके आप पार्ट टाइम या फुल टाइम आप जॉब करोगे ना, तो बेनिफिट क्या होगा, उसने आपसे कहा कि भाई मुझे ऐसा कर सकते हो और आपने उसके सामने कर दे तो सोचेगा ये नॉलेजेबल है, और यही चीज़ों के मेन मार्केट में वैल्यू है, बिजनेस सबको आता है, लेकिन टॉपिक को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ यूज़ करके चलना है, कहाँ उसको कन्विंस करना है, इस चीज़ को करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डूल वाउचर, इस टॉपिक का क्या यूज़ है ध्यान समझते हैं, पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, हो गया। अब होता क्या है, जैसे आप लोग दिल्ली से बाहर माल खरीदते हो, क्या करते हो, दिल्ली से बाहर माल आपने खरीदा, ठीक है, या आज आप दिल्ली से बाहर माल सेल कर रहे हो, पार्टी आ जाए, आज सपोज पार्टी आई 1 तारीख को, कब आई पार्टी 1 तारीख को आई, उसने कहा आज मैं आपको माल लिख के जा रही हूँ आप मुझे बिल दे दो लेकिन माल 4 तारीख को निकालना, ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे होली का फेस्टिवल पड़ गया, दिवाली पड़ गई, पार्टी आ गई, पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी, बोला कि बिल 4 तारीख को निकालना, पैसे मतलब बिल हाथ काट दो, स्टॉक कब निकालना 4 तारीख को, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ गई क्योंकि बिल आज काट दूंगा तो स्टॉक से मेरा कम हो जाएगा, स्टॉक से कम हो जाएगा,
और 4 तारीख को मेरे गोडाउन से निकलेगा तो स्टॉक मिसमैच आता रहेगा। तो उससे बचने के लिए देखो, अब मैं जैसे डेट डालूंगा ना और मैं इंटर मारूंगा, एक टॉपिक और आएगा। ये तो होगी वाउचर डेट, जैसे ही मैं स्टॉक डालूंगा या स्टॉक कि स्टॉक से कब खत्म करना है इसको, तो मैंने बोला 4 तारीख को खत्म करना है। आप पहले ऑल टाई करके सोनी का एलसीडी का स्टॉक देखो कितनी पीस है हमारे पास। हमने गलत क्वांटिटी की सेल कर दी, हाँ हमने ज़्यादा कर दी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। 88 पीस है कि एफ एड से डिलीट होता है, 88 पीस रह गई ठीक है। अब 88 पीस जो यहाँ रह गई है वो कितनी तारीख को रह गई है, 2 तारीख को, और मैंने 4 तारीख को सेल करी। क्या करी मैंने, 4 तारीख को सेल करा कि मेरे स्टॉक से कब कम करना है, 4/4 को। कैसे बिल काटा मैंने, कैश में ठीक है दीपक, कैश में कट गया बिल। मैंने आइटम को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर 4 पीस डाल के F2 करके नॉर्मली मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया, ओके क्लियर। अब इसके लेजर में देखेगा तो उसके लेजर में ऑल टेल करके क्या नाम था पार्टी का, कैश, तो देख ऑलरेडी पार्टी के अकाउंट में बैलेंस आ गया, आगे 1,30,000 रुपये। लेकिन अगर मैं स्टॉक देखूँ, क्या करूँ, डिस्प्ले के अंदर आऊँ, स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली बैलेंस ओनली ऑल आइटम और तारीख में यहाँ पर 3 तारीख डाल दूँ, 3 तारीख डालूंगा, देखिए स्टॉक में कितनी पीस दिखा रहे हैं, 88। बिल कब कटा है, 1 तारीख को, स्टॉक से माइनस हुई वैल्यू 4 तारीख को, लेकिन ये दिखेगा नहीं, हाँ तो वही चीज़ समझा रहा हूँ, 4 तारीख आएगी ये कम हो जाएगा, हाँ अब 4 जैसी आएगी तो अब कम हो जाएगा ठीक है। दीप भारत क्लियर, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद ये नीचे टॉपिक है जिसका नाम है सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम। ये क्या होता है, जैसे आपने फीफो कर रखा है, आप चाहते हो किसी मेथड पे फीफो अपनाओ, किसी पे वैट एवरेज अपनाओ, अलग अलग मेथड अपनाना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप कंट्रोल F2 करके आइटम भी बना सकते हैं, या मास्टर के अंदर आप आइटम के अंदर जाके यहाँ से जैसे आइटम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो मेथड आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो मेथड आपको यूज़ करना है उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। कौशल ध्यान दो यहाँ पर, तो कभी कभी हमें ऐसा पड़ता है कि हम फीफो नहीं लेना चाहते, किसी आइटम में वेट एवरेज लेना चाहते हैं या लीफो लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से एनेबल करने का, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, क्या है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, क्या टॉपिक का नाम है, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, आगे समझ में। ये आप लोग को जानते हो, आप लोगों को बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ये तो किस में यूज़ करते हैं हम लोग, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी चीज़ में इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम इसकी मदद लेते हैं। इतना जानते ही होगे ना आप लोग, इसको बताने की जरूरत नहीं है, या बताऊँ आप लोगों का किसी को प्रॉब्लम है, कौशल तेरे को नहीं बताओ शायद, तो इसके लिए बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी वाली है ना। अब इसमें आता है अनेबल पार्टी वाइज कोड, क्या आता है अनेबल पार्टी वाइज कोड, सर इस कोड का क्या बेनिफिट है, ये क्या करता है। अब कभी कभी जब हम लोग मार्केट में काम करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, मार्केट में जब हम काम करते हैं तो एक ही आइटम को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पवन मेरे पास आया, पवन ने कहा मुझे LCD चाहिए, मैंने इसकी आइटम का कोड डाल दिया 112। आप मेरे पास माल लेने आए, मैंने आपके आइटम का कोड कुछ से डाल दिया, मतलब आइटम सेम है लेकिन दूसरे दूसरे नाम से जानते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने कौन टॉपिक अनेबल करा, अनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड, इस टॉपिक को अनेबल करा। अनेबल करने से बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट ये होगा कि देखो यहाँ पे एक टॉपिक खुला जिसमें लिखा है पार्टी आइटम कोड, मतलब क्या पार्टी वाइज आइटम कोड, मतलब पार्टी के हिसाब से आप यहाँ पर आइटम के कोड डिसाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, आइटम के कोड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये पूछा, सबसे पहले आया टॉपिक सिलेक्ट पार्टी, किस पार्टी के लिए, मैंने बोला बीजी के लिए, सोनी के आइटम इसका कोड 12345 है। मैंने बोला और मेरी जो दूसरी आइटम है उसका कोड मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और आइटम क्या थी मेरे पास, क्लोथ, इसका मेरे पास है 23456 आ गया और मैंने सेव कर, ये तो मेरे लिए हो गया। इसके बाद मैंने बोला कैश के लिए यही सोनी का कोड मेरे लिए हो गया 8910 ठीक है, और क्लोथ का कोड हो गया 10 8 9 10 11 ठीक है, और सेव कर दिया, हो गया सेव। अब मेरे पास बीजी क्या है, कौन सी पार्टी ली थी, बीजी ली थी ना पहले,
अब बीजी वाला मेरे पास माल आया, उसने कहा कि सर मुझे वो वाली आइटम का दे दो। कौन सी आइटम दे दो? जो आपने 1 2 3 कोड बताया ना वो आइटम मुझे दे दो। उसने ये आइटम मुझसे मांगी है। अब यहाँ तो पहली बात, वो आइटम का कोड आएगा नहीं, और कोड के लाने के लिए आप क्या करो, F4 करो। देखो तीन ऑप्शन आ गए, पहला आया पार्टी, आइटम कोड, आइटम ग्रुप या बिल ऑफ मटेरियल। आर वाला आ जाएगा, नीचे बैठ रिटेल परचेज आएगा। हाँ इधर ध्यान से दो, आ गया। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आप, अब आइटम का नाम नहीं आ रहा, आइटम का कोड आ रहा है। लेकिन मैंने किसकी बात की थी, मैंने बीजी की बात करी थी, दिखा नाम सिलेक्ट क्या करा है मैंने यहाँ पर, कैश, तो उसका कोड दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करा, और मैंने यहाँ पर F4 करा और आइटम वाइज कोड कर दिया। आ गई, अब मैं इस कोड से मानता हूँ। हाँ कर दिया, 2 मिनट दीजिए, हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मैं जब इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो प्रिंट आउट में प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पर देखो, बाय डिफॉल्ट पार्टी का नेम आएगा, वो आइटम का नेम ही आएगा, आ रहा ना नाम। पिक किससे हुई हमारी? कोड से पिक हुई। नाम क्या आ रहा है? आइटम का नाम। अब नहीं, हाँ कोड लाना है आपको तो कोड भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं एक नीचे ब्रैकेट बन जाए इसके नीचे, और यहाँ पर कोड आ जाए, जो भी आइटम का कोड है हमें अब ये चाहिए। तो देखिए कैसे हम बिल्ड डिजाइनिंग करते हैं। तो हम बिल्ड डिजाइनिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? स्टेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जाएंगे कहाँ पर? इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। अब स्टैंडर्ड ना लेके हम करेंगे एडवांस। क्या करेंगे? एडवांस। और सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे, मैंने बोला A5। क्या मैंने? A5 नाम दे दिया कि जो फॉर्मेट बना उसका नाम क्या है? A5। अब इसको बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, देखो जैसे ही मैंने बनाया तो सेल के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर A5 का फॉर्मेट आ गया। क्या आ गया? A5 का फॉर्मेट आ गया। आ गया फॉर्मेट। मैंने क्या गया, मैं गया सबसे पहले हैडर के अंदर, गया कहाँ गया? हैडर के अंदर गया। मैं जैसे ही हैडर के अंदर गया, देखो यहाँ तो लिख रहा है या तो आप सेल्फ कोडिंग करो या फिर आपके पास एक बटन है जिसका नाम है Alt+D। मैं Alt+D पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ उठ गया। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए कितने कोड है? 40 है। तो मैं इसको कितना करता हूँ, 30 करता, ताकि 10 में मेरा क्या आ जाए, कोड आ जाए। तो मैंने इसको 30 करा, और इसके बाद मैंने एक नई फील्ड बनाई, मैंने इसको लगाया ऐसे, क्लिक करा और लिख दिया मैंने कोड। या फिर आपको ये नहीं लगाना तो आप अपने कीबोर्ड पे क्या दबाओ, फील्ड अवेलेबल, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ से ले लो स्टिक टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा इसमें, यहाँ पर एक लिख के आएगा इंटर द टेक्स्ट, और यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट टाइप करना है वो डाल दो। मैंने क्या लिख दिया? आइटम, हाँ आइटम कोड। आ गया कोड, और इसकी लेंथ मैंने कितनी कम करी उसमें से, 10। तो 10 इसके अंदर डाल दूंगा और सेव कर दूंगा। अब जैसे मैं इसका ओल्ड वी करके प्रीव्यू देखूंगा, देखो यहाँ पे एक टॉपिक और आ गया आइटम कोड का। लेकिन देखो यहाँ पे एक लाइन नहीं आ रही, यहाँ लाइन नहीं आनी। लाइन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन लाने का कोड होता है, फिक्स कोड है, डायनेमिक कुछ नहीं है इसके अंदर, ये कोड है। इस कोड को उठाइए और जब भी आपने कोई आइटम लिखी उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। आप जैसे ही कंट्रोल वी करके देखेंगे बिल, तो आपको देखिए अब इनके बीच में एक लाइन भी दिखेगी, देखिए। तो अब ये क्या हमारी ऊपर का गर्दन बने जैसे होता है ना, फुटर बना है, अब हमें बॉडी बनानी ताकि वैल्यू उठ जाए। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, Alt+D। Alt+D से क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। देखो पहले मैं सीरियल नंबर, फिर आपकी आइटम प्रिंट ने, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो मैंने यहीं क्या दबाया, Alt+F4 दबाया, और मुझे क्या चाहिए, आइटम का कोड चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या गया, आइटम के अंदर, और यहाँ से कोड ढूंढूंगा। ये आपको समझ में, देखो ये ना कॉमन कोड, ये तो कम्युनिटी कोड हो गया ना, आइटम कोड दिखे तो बताना यार दीपक, आइटम कोड दिखे तो बताना। आइटम क्या हो गया, क्या नाम था उसका? देखो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसके ये किस नाम से सर्च होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा इस टॉपिक का नाम क्या है, नहीं नहीं मैं जी F4 करना चाहिए था। जैसे मैंने F4 करा तो यहाँ क्या आ गया, पार्टी कैश। तो इसका मतलब है सिलेक्ट आइटम कोड, या आइटम कोड के नाम से मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोबारा स्कैप करके यहाँ आया और मैंने यहाँ से ढूंढा कोड दोबारा। तो मैंने P दबाया, P
पी से रिलेटेड देखूँ कितने टॉपिक आ रहा है मेरे पास, मैंने इस पर क्लिक करा। कहाँ गया? पार्टी आइटम कोड ये ना। हाँ, और इसकी वेट कितनी कर दूंगा? 10 कर दूंगा। फटाफट आप दोनों वहीं बैठो, बहुत लेट आया आज। 10 कर दिया और इसको कितना कर दिया? 30। नहीं नहीं, यहाँ करना चाहिए था ना, वो ये 40 था। हाँ, इसमें कोई टैक्स नहीं है, वेट एग्जेम्प्ट आया। कौन से ऊपर वाले वेट एग्जेम्प्ट आएगा इसमें? 5%। ठीक है, जाओ करो फटाफट। नहीं, इसमें ये मेरा पूछा था कि इसमें स्टेट F12 करके सी फॉर्म करके डुप्लीकेट बनाओगे और दो की जगह वहाँ 5 करोगे। F12 से डुप्लीकेट बनता है ना, वो करोगे। चलो बैठिए। अरे ना समझ में आया ना, इनसे पूछ देना क्या नाम है, इनको थोड़ा सा बता देना। चलो बैठो फटाफट। आप लोग बन गया बिल, आप देखिए यहाँ पर। तो मतलब अगर आपको बिल बनाना आ गया तो समझ जाओ कि भाई बहुत बड़ा काम करने लगे हो आप बिजी में, क्योंकि बिल आपको देखो यहाँ पर कोड आ गया आइटम में। अब यहाँ लाइन नहीं आ रही, ये क्या दिक्कत होगी? मैंने वो वाला कोड नहीं डाला, LHV वाला कोड नहीं डाला। वो कोड डाल दूंगा तो लाइन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब बिल तो आप अपने हिसाब से बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। डुप्लीकेट भी चाहिए आपको? डुप्लीकेट के लिए वो तो आपके ऊपर है ना, जब आप प्रिंट निकालोगे तो यहाँ डुप्लीकेट दोगे तो डुप्लीकेट आएगी, ट्रिप्लीकेट दोगे तो ट्रिप्लीकेट भी आएगी। देखो, 3 कॉपी निकालो, पहली कॉपी तो ओरिजिनल आती ही आती है, उसके बाद इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो गया? डुप्लीकेट। देन इस पर क्लिक करोगे डुप्लीकेट। अगर नंबर ऑफ कॉपी 3 निकालोगे तभी तो आएगा डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, एक कॉपी निकालोगे तो कहाँ से डुप्लीकेट आ जाएगा? उसी से आ सकता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आइटम पार्टी वाइज कोड कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? भारत। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ज़्यादा हो जाए तो रोक देना, मैं वहीं रुक जाऊँगा। अगर ये टॉपिक कराऊंगा तो 4 टॉपिक कराऊंगा। अब नीचे अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, अलाउ परचेज इन परचेज वाउचर। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब जैसे तुमने आज बिल काटा है, 100 पीस का बिल आज काटा है, उसमें 4 पीस वापसी आ रही है। आप चाहते हो सेल रिटर्न की एंट्री ना मारूं, उसी में माइनस कर दूं जो आपका पहले का बिल है। तो देखिए किस तरह से इस टॉपिक का मदद लेंगे हम। यहाँ गए, मैंने एक बिल ऑलरेडी काट रखा है, काटा है ना कैश में 4 पीस का, अब ये मुझे वापसी कर गया कि सर आप एक पीस ले लो, तो मैं तो यार सेल रिटर्न मारूंगा, या फिर मैं यहीं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, इस आइटम का नाम लिखूंगा और माइनस में 1 डाल दूँ। जैसे ही माइनस डालूंगा देखो बिल माइनस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। किसको? अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हो मार्केट में तुम? कितने दिन से काम कर रहे हो मार्केट में? हाँ वही पूछा, कितने दिन से काम कर रहे हो? एक महीने कर रहे हैं वहाँ पर। मार्केटिंग कितने दिन से कर रहे हैं? नहीं, आप कितने दिन से मार्केटिंग कर रहे हो अभी? 4-5 दिन से ऑब्जर्व कर लिया कि ये पसंद नहीं आता कस्टमर को? चलो छोड़ो, समझ में आ गए? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? वैलिड सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल। इस टॉपिक को जैसे आपने सेल रिटर्न करा था वैसे आपका पल्स रिटर्न है। अब इस टॉपिक करने से तो बेनिफिट क्या है? अभी मैंने क्या करी थी, मैंने कैश में मैंने बीज इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 पीस की सेल करी थी। कितने पीस की सेल करी थी यहाँ पर? 4 पीस की सेल करी थी, करी थी 4 पीस की सेल। अभी ये ना मुझे वापसी करने आया है। क्या पीस करने आया? पीस मुझे वापसी करने आया। जब पीस इसे मुझे वापसी करने आया ना, तो उसने मुझे क्या कर दिया? मुझे बीजी मैंने यहाँ डाला, वाउचर नंबर मुझे पता था कितना था, 4, तो 4 डाला, जिससे तारीख पर चल गई, माल कब खरीदा था आ गई। और मैंने अब इसने मुझे LCD जगह क्लॉथ वापसी करने आ गया, लिया मुझसे LCD और वापसी क्या कर रहा है? क्लॉथ। हमें आइडिया नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं इस बिल को सेव करूंगा तो जो टॉपिक अनेबल करा था उस टॉपिक की वजह से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये मुझे बताएगा कि ओरिजिनल आइटम में क्लॉथ नहीं थी। क्या थी? क्लॉथ नहीं थी, कुछ और था। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी मदद ले सकते हैं। आपको देखना है क्या था उस बिल में, तो सिर्फ वाउचर लिस्ट क्लिक करेंगे और आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या बेचा था इसने, LCD बेचा था। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। पहला तो आ गया आइटम का नाम गलत होता है, दूसरा अगर आइटम का नाम ठीक है
और आपको उसने दिए चार पीस, मतलब दिए कितनी, आपने चार पीस बेचिए और वो आपको पांच पीस वापसी कर रहे हैं, दी चार है और कितनी वापसी कर रहा है, पांच। तो अब जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा तो क्या जाएगा, इंटीमेशन कि ओरिजिनल सेल कितनी की हुई थी, चार, तो पांच कैसे ले लोगे आप, ले लोगे नहीं। एक गलती तो ये मिल गई आपको, समझ में आ गया। दूसरा पीस आप एक वापसी आ रही लेकिन वो रेट बता रहा है 33,000 रुपये, फिर पॉपअप आ जाएगा। क्यों क्यों पॉपअप आएगा, पॉपअप इसलिए आएगा कि जब 32,500 की सेल हुई है तो 33,000 में क्यों वापसी लूँगा उससे, और कम करूँगा ज़्यादा लूँगा। अगर मैं यहाँ, मुझे प्रॉफिट हुआ, अरे बिल सेफ हो गया, क्यों सेफ हो गया, अगर मैं यहाँ रेट कम कर दूंगा तो देखो मुझे पॉपअप नहीं आया, मैंने बोला 32,000 की जगह 32,500 की जगह 32,000 लूँगा और सेव करूँगा, देखो कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इनकम हो रही है, बिजी इनकम नहीं, उसके लिए बहुत सारे टॉपिक हैं उसके लिए। ये देखो आप बिजी की कन्फिगेशन आप अगर सीखने बैठो तो इसके अंदर यहाँ इतने सारे टॉपिक हैं, आइटम प्राइस से रिलेटेड, आइटम के हिसाब से पार्टी का प्राइस फिक्स कर दो या लास्ट जो प्राइस दिया उस रेट को उठा लो, तो इतने सारे टॉपिक हैं, तो आपको देखना है कौन सा टॉपिक को कब यूज़ करना है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे, समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है अनेबल बिल सेंडिंग इन नरेशन। अब क्या होता है, अभी इससे पहले आप लोग क्या होता है, जब भी आप किसी को डिस्काउंट या कुछ देते हो तो आप यहाँ पर नरेशन नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना, यहाँ पर नरेशन का टॉपिक ही नहीं आ रहा, आपको कुछ डालना हो कमेंट वमेंट तो नहीं डाल सकते। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोबारा यहीं आएंगे फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अनेबल बिल सेंडिंग नरेशन। आप देखो क्या होगा, इस टॉपिक को अनेबल करने से बेनिफिट ये हो गया कि आप जैसे इस टॉपिक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स और खुलेगा और इसमें आप क्या कर सकते हो, नरेशन। तो प्रॉब्लम तो अभी और कराओ, इतना रहने दो, इतने रहने, चलो बैठो। हाँ वीडियो बनी हुई है।